दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में बहुत ऐसे एक्टर हैं जो गॉडफादर और नेपोटिज्म का सहारा लेकर बॉलीवुड में एंट्री ले लेते हैं, चाहे उनमें टैलेंट हो या ना हो। अगर भाई साहब, ऑडियंस तो टैलेंट देखती है ना कि नेपोटिज्म। अगर किसी में टैलेंट होगा तो वह खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाएगा, उसे ना ही कोई गॉडफादर और ना ही किसी का सपोर्ट चाहिए। वह खुद अपने टैलेंट के दम पर दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना लेगा, जिसे बहुत लोगों ने प्रूव भी किया है। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिसे सलमान खान ने काफ़ी साल पहले ही लॉन्च कर दिया था, मगर इनकी अच्छी एक्टिंग नहीं होने के कारण यह बॉलीवुड में उतनी ज़्यादा पहचान नहीं बना पाए। वैसे इस एक्टर का नाम है जाहिर इकबाल और इनके ऊपर ऐसे रूमर है कि यह बॉलीवुड के सुपरस्टार सोनाक्षी सिन्हा को डेट कर रहे हैं और सोनाक्षी सिन्हा के साथ एंगेजमेंट भी कर ली है और जल्द ही शादी भी कर लेंगे। वैसे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जाहिर इकबाल की लाइफस्टाइल और इनकी पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जाहिर इकबाल का फुल नेम है जाहिर इकबाल रतन सिंह और इनका निक नेम है जाहिरो। जाहिर इकबाल नेशनलिटी से इंडियन और रिलीजन से मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। जाहिर इकबाल प्रोफेशन से एक एक्टर और मॉडल है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जाहिर इकबाल के अर्ली लाइफ की। तो जाहिर इकबाल का जन्म 10 दिसंबर 1988 को मुंबई के एक हाई क्लास फैमिली में हुआ और वही 2022 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 34 साल। जाहिर इकबाल के पिता और सलमान खान बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और इनके पिता का बहुत बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस भी है और जाहिर इकबाल को सलमान खान ने बॉलीवुड में लाया है। वैसे जाहिर को सबसे पहले नोटिस सलमान खान ने ही किए थे जब सलमान खान जाहिर के सिस्टर के शादी में गए थे, तो वहाँ पर जाहिर इकबाल डांस कर रहे थे और सलमान खान को जाहिर का डांस बहुत अच्छा लगा और सलमान खान जाहिर से काफ़ी इम्प्रेस भी हुए और सलमान खान को लगा कि जाहिर में एक्टर बनने वाले सब गुण हैं, इसलिए तब से इन्होंने सोच लिया था कि जाहिर को अब बॉलीवुड में ये लेकर ही आएंगे। जिसके चलते जाहिर सलमान खान के मेंटरशिप में रहकर लगभग 6 साल तक डांस और एक्टिंग भी सीखा और फिर 6 सालों तक जाहिर ट्रेनिंग लेने के बाद इन्हें बॉलीवुड में सलमान खान ने लॉन्च कर दिया 2019 में आई फिल्म नोटबुक से, जो कि यह फिल्म सलमान खान का एक प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई थी और यह फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और पूरे वर्ल्ड वाइड 58 करोड़ तक का कलेक्शन भी की, जिससे यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म कर पाई। फिर इस फिल्म के बाद से जाहिर को अभी तक तो कोई फिल्में नहीं देखा गया, शायद आगे देखा जाए। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जाहिर को आगे सिनेमा में देखना चाहते हो या नहीं। वैसे चलिए दोस्तों अब मिल लेते हैं जाहिर इकबाल के फैमिली से। तो जाहिर इकबाल के फादर का नाम है इकबाल रतन सिंह और वही आप इनकी माँ और इनके भाई और बहन के कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। और वही अगर इनकी गर्लफ्रेंड की बात करें तो अगर रूमर की माने तो इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है सोनाक्षी सिन्हा, जो कि सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। वैसे दोस्तों अगर बात करें जाहिर इकबाल के हाउस की तो जाहिर इकबाल अपने फैमिली के साथ मुंबई में एक शानदार घर में रहते हैं और आप इनके घर की कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें जाहिर इकबाल के पूरे नेटवर्थ की तो जाहिर इकबाल की पूरी नेटवर्थ है 8 से 10 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें जाहिर इकबाल के कार्स एंड बाइक कलेक्शन की तो जाहिर के पास एक BMW 530D कार है जिसकी प्राइस है 90 लाख रुपीज़ और इनके पास एक बाइक भी है जिसकी प्राइस है लगभग 5 लाख रुपीज़ और आप इनके कार्स एंड बाइक्स की कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। तो दोस्तों याद थी जाहिर इकबाल की लाइफस्टाइल और इनकी पूरी लाइफ स्टोरी वीडियो। वैसे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफस्टाइल और लाइफ स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।